नमस्कार साथियों, नॉलेज बी सी एम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीजी स्कूल पोर्टल में जो नया अपडेट किया गया है वर्चुअल स्कूल को लेकर और साथ ही विद्यार्थी असेसमेंट को लेकर के। तो के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी आप जो स्कूल का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे तो किस प्रकार से आप वर्चुअल स्कूल का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से आप वर्चुअल स्कूल बना सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही अभी जो सीजी स्कूल पोर्टल में विद्यार्थी असेसमेंट को जो अपडेट हुआ है उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों अन्य शिक्षा साथियों को जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए साथियों, अभी मैं cgschool.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर मैं चलिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है यूजर आईडी और पासवर्ड का। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने हम अपने स्कूल के जो हमारे जो लॉगिन डैशबोर्ड है हम वहां पर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है। तो चलिए मैं शिक्षक पे क्लिक कर लेता हूं। इस तरह से जैसे ही हम शिक्षक पे क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑफिशियल डैशबोर्ड जो है स्वयं का उस पर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्क्रीन है हमको दिखाई पड़ेगी। इस तरह से कुछ पॉपअप मैसेज आएगा तो उसको हम हाँ कर सकते हैं पढ़ने के बाद, या बाद में उत्तर देवे पे भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद चलिए मैं उत्तर देवे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं उत्तर देवे पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह से इसकी दिखाई पड़ती है। यह हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर लिखा है वेलकम करके आपका नाम लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है इस तरह से। तो साथियों सबसे पहले देखिए, चलिए हम जैसे ही यहाँ पर मेनू जो तीन लाइन दिखाई पड़ रहा है वह हमारा मेनू है। जैसे ही हम मेनू को क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमको शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको दिया गया विद्यार्थी का असेसमेंट करें, और जैसे ही हम विद्यार्थी का असेसमेंट करें को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाती है, एक नई स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर कक्षा दिया हुआ है, कक्षा में कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा दी गई है। यहाँ पर आपको माह में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थियों को ग्रुप में शामिल करें। तो साथियों इसके पहले हमने पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत विद्यार्थियों का एंट्री कर लिया था जिसका हमने असेसमेंट भी करना शुरू कर दिया था। सितंबर माह में हमने उनका असेसमेंट किया, अक्टूबर माह में उसका हमने असेसमेंट किया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो जैसे ही हम चलिए बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी कैसे दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों शिक्षक के कार्य में जाते हैं। यहाँ पर लिखा है पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वह स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमने विद्यार्थियों की जानकारी एंटर की थी। ये देखिए यहाँ पर जितने हमने विद्यार्थियों की एंट्री की थी उसकी संख्या यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही हम विद्यार्थियों को विवरण दर्ज करने को क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर जितना हमने विद्यार्थी एंट्री किया था उसकी संख्या भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है नाम के सहित। फिर भी हमको जब हम आकलन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पुनः हम चलिए एक बार आकलन पे चलते हैं इस तरह से। जैसे ही हम आकलन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से वही नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो साथियों हम आपको आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं तो वर्चुअल ग्रुप का निर्माण या तो संस्था प्रमुख या फिर प्रधान पाठक या फिर प्रिंसिपल या फिर इंचार्ज प्रिंसिपल ही कर सकते हैं, और उसमें चाहे तो वो संशोधन कर सकते हैं और किसी भी मेंबर को उच्च वर्चुअल स्कूल ग्रुप से हटा सकते हैं। इसके पहले हमने वर्चुअल ग्रुप का निर्माण किया था, लेकिन अभी हमको वर्चुअल स्कूल का निर्माण करना है। उसमें विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर के थ्रू हमको एंटर करनी है और करने के बाद उसमें करेक्शंस हमको करनी है। तो चलिए आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए साथियों, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दिया है शिक्षक के
कार्य, जैसे ही मैं शिक्षा के कार्य पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो हमको बहुत सारा टैब दिया गया है और सबसे नीचे में देखिए एक टैब दिया गया है वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े या संशोधन करे। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाती है, एक नई स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षक एवं विद्यार्थियों को ग्रुप बनाए, इसमें पहले से कुछ कितने शिक्षक जुड़ चुके हैं और कुल कितने विद्यार्थी हैं उसकी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। कोई शिक्षक एडिशनल जुड़ गए हैं तो उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, और आपके विद्यालय के कोई शिक्षक अभी जुड़ना शेष है तो उनको आपको उनके मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपको उनको जोड़ना है। यहाँ पर शिक्षक का मोबाइल नंबर डाल के आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपके सामने नीचे में आ जाएगी, और नीचे में आपको एक जोड़े बटन मिलेगा, वहाँ से उसको जोड़े पे क्लिक करके आप उक्त शिक्षक को अपने विद्यालय में जोड़ सकते हैं, आपके विद्यालय के शिक्षक को। यहाँ से आप विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे फिर खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जानकारी आपके सामने नीचे प्रदर्शित हो जाएगी, यदि वह सीजी स्कूल पोर्टल में विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत है तब। जो विद्यार्थी पंजीकृत नहीं है उनको आपको पहले विद्यार्थी पंजीयन में जाकर के उनका पंजीयन आपको करना होगा। तो इस तरह से देखिए साथियों यहाँ पर शिक्षक मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक ऐड है, इस नाम से मेरे को शिक्षक ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों जितने विद्यार्थी यहाँ पर पहले से ऐड है इसमें से अधिकांश विद्यार्थी मेरे विद्यालय के हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे विद्यालय के नहीं है। तो उस विद्यार्थियों को इस तरह से आप यहाँ पर आपको डिलीट का बटन दिया गया है, वहाँ से आपको डिलीट पे क्लिक करके उस विद्यार्थी को यहाँ से आपको इस वर्चुअल स्कूल ग्रुप से आपको हटा देना है। इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो वह आपके विद्यालय से हट जाएगा। देखिए यह पैगुआपारा बिटकुला स्कूल का विद्यार्थी है, तो इस तरह से अन्य विद्यालय के विद्यार्थी के नाम भी आपके इस सूची में दिखाई पड़ेगी तो उनको यहाँ से आपको हटा देना है। तो इस तरह से वह विद्यार्थी मेरे सूची से हट जाएगा। पहले जो संख्या थी वह 61 दिखाई पड़ रही थी, इस तरह से देखिए आगे नोटिफिकेशन सफलतापूर्वक मेंबर हटाया गया। ओके पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या 61 से अब 60 हो चुकी है। अब चलिए साथियों हम विद्यार्थियों को कैसे ऐड करेंगे उसकी बात करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी पहले से ऐड है। लेकिन यहाँ पर देखिए विद्यार्थी पहले से तो ऐड है लेकिन जैसे ही हम विद्यार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी दिया हुआ है दिगेश कुमार धनुहार, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको कक्षा खाली दिखाई पड़ रहा है, लिंक खाली दिखाई पड़ रहा है, केवल पता और जिला आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से यह विद्यार्थी अभी कक्षा किस कक्षा में पढ़ रहा है इसकी जानकारी हमको यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको पुनः ऊपर की ओर जाना है, जो टैब दिया गया है वहाँ पर, यहाँ पर विद्यार्थी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो उसी मोबाइल नंबर को हमको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। इस तरह से उसके बाद हमको ये खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद तो हमारे सामने विद्यार्थी की जानकारी नीचे की ओर प्रदर्शित हो जाएगी, हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए साथियों जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने आ गया कि मोबाइल नंबर से विद्यार्थी दिगेश कुमार धनुहार जुड़े हुए हैं, इनमें से किसे इस वर्चुअल ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। साथियों हो सकता है कि एक मोबाइल नंबर से दो तीन विद्यार्थी जुड़े हो तो इस नाम से वहां पर आपको विद्यार्थी का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ इस तरह से दो ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी जोड़े और कैंसिल का, तो आपको ये विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाएगा, एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे सामने नया स्क्रीन आ चुका है, एक नया इंटरफेस आ चुका है। जैसे ही हमने जोड़े पे क्लिक किया तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम दिया गया है, लिंक दिया गया है, तो लिंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से उसका कक्षा चयन कर लेनी है, जो भी कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहा है। इस तरह का कक्षा का चयन करने के बाद नीचे में देखिए उसका पता आपको दिखाई पड़ रहा है और फिर ये जोड़े बटन दिया गया है, फिर से हमको ये जोड़े बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो वह जो विद्यार्थी है हमारे वर्चुअल स्कूल में शामिल हो जाएगा और सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया, इस तरह से हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या हमारे सामने अभी 61 दिखाई पड़ रही है, 60 से फिर से यह 61 हो गया है। उसका कारण यह है क्योंकि उस विद्यार्थी की दो बार एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एक ब्लैंक था और एक क्लास के रूप में था। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास आ चुका है और जस्ट उसके पहले उसका और नाम हमको दिखेगा, उस नाम को यहाँ से हमको क्या कर देनी है, हटा देनी है। यहाँ पर से ये देखिए इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये
जैसे ही नाम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कक्षा ब्लेंड दिखाई पड़ रहा है, इसको हमको यहाँ से डिलीट कर देना है इस तरह से। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से रूप से हट जाएगा। चाहे तो आप सभी विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद पहले सभी विद्यार्थियों को हटा सकते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर से आप जोड़िए, चाहे तो इस तरह से आप बारी बारी से जोड़ते जाए और हटाते जाए, इस तरह से कर सकते हैं। फिर से एक और विद्यार्थी का यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए 62 61 मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मैं इस तरह से। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम ये खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो उक्त विद्यार्थी की जानकारी हमारे सामने नीचे की ओर प्रदर्शित हो जाएगी इस तरह से। देखिए यह मोबाइल नंबर करीना के नाम पर है। फिर हमको ये विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया स्क्रीन आ जाता है इस तरह से, विद्यार्थी का नाम, उसके बाद यहाँ पर लिंक हमको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से हमको कक्षा चयन कर लेना है। विद्यार्थी जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास का हमको यहाँ से चयन कर लेनी है इस तरह से। और चयन करने के बाद नीचे भी जानकारी दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर से जोड़े दिया हुआ है, हमको ये जोड़े बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की जानकारी जुड़ जाएगी सफलतापूर्वक इस तरह से, ग्रुप बन गया, हमको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से सफलतापूर्वक वह विद्यार्थी भी हमारे ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च करनी है। सर्च करने के बाद उनको जोड़े पे क्लिक करके उनका आपको क्लास और लिंक चयन कर लेनी है। लिंक चयन करने के बाद जैसे ही आप जोड़े पे क्लिक करेंगे तो वह विद्यार्थी सफलतापूर्वक आपके वर्चुअल ग्रुप में जुड़ जाएगा, आपके वर्चुअल क्लास में जुड़ जाएगा। अब चलिए हम पुनः देखते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी आकलन में है उक्त विद्यार्थी का नाम आया है कि नहीं आया है। फिर से हम शिक्षक कार्य पे जाएंगे और ये विद्यार्थी का असेसमेंट करने को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम विद्यार्थी असेसमेंट को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है। तो हमने अभी कक्षा दूसरी और कक्षा चौथी में बच्चों का वर्चुअल ग्रुप बनाया है, उनको वर्चुअल ग्रुप में ऐड किया है, संशोधन किया है। तो यहाँ से हम क्लास का चयन करके ड्रॉप डाउन से चलिए कक्षा दूसरी चयन कर लेते हैं इस तरह से। जैसे ही हम कक्षा दूसरी का चयन करेंगे तो जिस विद्यार्थी को अभी हमने जोड़ा है उसका नाम इस तरह से देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा और उसका मोबाइल नंबर इस तरह से प्रदर्शित होगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी जानकारी आ जाती है इस तरह से। हम पुनः वापस जाए पे अभी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम पुनः क्लास 4 को देख लेते हैं इस तरह से। क्लास, जैसे ही हम क्लास 4 पे क्लिक करते हैं तो क्लास 4 में हमने जितने बच्चों को एंट्री किया है उसकी जानकारी देखिए हमारे सामने इस तरह से आ चुका है। मैंने अभी क्लास चौथी में 2 बच्चों को ऐड किया है तो यहाँ पर 2 बच्चों की जानकारी आ चुकी है। तो इस तरह से साथियों हम बारी बारी से सभी जितने भी हमारे स्कूल में विद्यार्थी हैं उनको हम वर्चुअल ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साथियों इसमें केवल संस्था प्रमुख या फिर प्रधान पाठक यानी कि एक शिक्षक को ही केवल एंट्री करने की जरूरत है, बाकी शिक्षक साथियों को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षक साथी यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो हेड है, जो ग्रुप एडमिन है वर्चुअल स्कूल का, वही ग्रुप एडमिन इनको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब वह एंटर कर लेंगे तो उनके विद्यालय के जो अन्य शिक्षक साथी है जो जब वह अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एंटर करके विद्यार्थी का असेसमेंट का ऑप्शन को ओपन करेंगे तो उसके में भी वह विद्यार्थी दिखाई पड़ेगा जो ग्रुप एडमिन प्रधान पाठक द्वारा एंटर किया गया है। तो इससे डबल आईडी ट्रिपल आईडी वाली समस्या नहीं होगी और ये वाली समस्या यहाँ से दूर हो गई है। चलिए मैं आपको अपने संस्था के अन्य शिक्षक के लॉगिन आईडी पर ले चलता हूँ कि उसके लॉगिन आईडी पर यह जो बच्चा मैंने अभी इनरोलमेंट किया है, मैंने वर्चुअल ग्रुप में उनकी जो एंट्री की है, वर्चुअल स्कूल में जो उनकी एंट्री की है, वह उनके आईडी में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो चलिए मैं पहले यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। ये देखिए साथियों मैं अपने विद्यालय के अन्य शिक्षक साथी की अभी लॉगिन आईडी पर हूँ। उसके बाद जैसे ही हम ये मेनू पे जाकर के क्लिक करते हैं यहाँ पे हमको शिक्षक के कार्य मिलते हैं। हम शिक्षक के कार्य को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये विद्यार्थी का असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम विद्यार्थी का असेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ से क्लास सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लास सेकंड सेलेक्ट करते हैं देखते हैं कि वह विद्यार्थी यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिसकी हमने वहाँ पर एंट्री की थी। देखिए वह विद्यार्थी यहाँ पर शो कर रहा है जिसकी हमने एंट्री अभी प्रधान पाठक लॉगिन से किया है। चलिए क्लास 4 का भी देख लेते हैं। इस तरह से हमने क्लास 4 चयन किया कक्षा में और उसके बाद देखते हैं कि वह विद्यार्थी आया है कि नहीं आया है। तो देखिए उक्त दोनों विद्यार्थी भी यहाँ पर आ चुके हैं जो प्रधान पाठक के लॉगिन से उनको वर्चुअल स्कूल में शामिल किया गया था। तो इस तरह से तो साथियों इससे एक सुविधा यह हुई रही है कि अब विद्यार्थियों का डबल ट्रिपल आईडी बनने वाली समस्या दूर हो गई है।
साथियों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमको किस प्रकार से विद्यार्थियों का आकलन करनी है, किस प्रकार से हमको विद्यार्थी का असेसमेंट करना है। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।